मौजूद मेरी दावत को लबैक कहते हुए यहाँ पर जो शरीक हुए हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार और स्टेज पर मौजूद शिवसेना के संपर्क प्रमुख माननीय शिवाजी सावंत साहेब, जिला प्रमुख अमोल बापू शिंदे और ज्योतिताई और स्टेज पर मौजूद जितने भी हमारे मेहमान हैं, उन सभी का मैं शनिवार पेट तालीम वो गफूर दादा मित्र परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। बात अभी गोल्डन ने छेड़ी थी कि मुन्ना ने बोला कि सर्किट को कि बापू दिखता है, तो सर्किट ने उसकी बात रखते हुए कहा कि हाँ बापू दिखता है, तो ताई शायद चले गए, ताई ने उस बात को उठाते हुए कहा कि उस वक्त मुन्ना के दिमाग में केमिकल लोचा था, तो वो मुन्ना के आदर रखते हुए, मुन्ना का दिल रखते हुए वो उसको बताता था कि वो दिखता है बोल के। तो सेम इसी तरह से मुस्लिम समाज के साथ भी केमिकल लोचा हुआ है। हाँ, मुस्लिम समाज के साथ भी केमिकल लोचा हुआ है, उसको मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। जब समाज की बात निकली है तो इस शेर के साथ मैं शुरुआत करूंगा। मैं समाज का आईना बन के खड़ा हूं शिवसेना पार्टी में, तो आईना हूं तेरा, अक्स नहीं हूं मैं, अक्स यानी शैडो। आईना हूं तेरा, अक्स नहीं हूं मैं, तू जैसा देख वैसा नजर आता हूं मैं। ठीक है, तो मैं आज मेरे समाज का, मैं अकेला ही हूँ, साथ में मेरे साथ इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में समाज जुड़ेगा और मैं जोड़ूंगा भी इंशाल्लाह। हाँ, तो आज मैं मेरे समाज का आईना बन के शिवसेना में प्रवेश हुआ हूँ, तो उसकी वजूहत है, उसकी वजह क्या है वो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। आज मेरे सामने मेरे भाई लोग बैठे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। जब इनसे मेरा मछुआरा हुआ कि मैं शिवसेना शिंदेगढ़ में प्रवेश होना चाहता हूँ, तो सबसे पहले उन्होंने यही पूछा कि तुमने शिवसेना ही क्यों चुना और उसमें एकनाथ जी शिंदे की पार्टी को ही क्यों चुना। तो तकरीबन मुझे 3 महीने लगे सबको समझाते समझाते मुझे 3 महीने लगे। 3 महीने के बाद मैं लोगों को समझाकर, उनकी राय लेकर आज ये मुकाम पर हूँ, आज ये डिसीजन पर हूँ। मैं यहाँ पर अकेला खड़ा हूँ, इसका मतलब मैं अकेला नहीं हूँ। हाँ, मेरे साथ मेरे तकरीबन 500 से 1000 दोस्त हैं जो मेरे अच्छे बुरे में खड़े रहते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। तो ये डिसीजन लेने की वजह क्या हुई, सामने थी एनसीपी भी थी, कांग्रेस पार्टी भी थी, जो कि आज मुस्लिम समाज को जलीलो ख्वार करने में 1% का भी रास्ता और तरीका नहीं छोड़ रही है। हमारे समाज के, मुस्लिम समाज के, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मेरा खून खौलता है कि जब हमारे समाज के जो सीनियर लीडर हैं, सीनियर लोग हैं, शहर मध्य से टिकट के लिए, मैं तो 3 टर्म से देख रहा हूं कि 3 टर्म से वो टिकट की मांग कर रहे हैं, मगर टिकट उनको देने में दिक्कत क्या है मुझे पता नहीं। मुस्लिम समाज को टिकट देने में उनको दिक्कत क्या है मुझे पता नहीं, जबकि शहर मध्य में अगर बहुसंख्या देखें, खानदान में, मैं एक बात कहना चाहूंगा, शहर मध्य एक खानदान की तरह है। खानदान में मुस्लिम समाज के लोग हैं, पद्मशाली समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, लोधी समाज के लोग हैं। ये समाज में, इन समाजों में सबसे ज्यादा अगर लोकसंख्या है तो मुस्लिम समाज की है। तो मुस्लिम समाज को अगर हम लोग खानदान की अगर बात करेंगे, ये शहर मध्य की संख्या की, तो खानदान में सबसे बड़ी जिसकी संख्या है, अगर हम उसको बड़ा भाई माने
मुस्लिम समाज हुआ। दो नंबर अगर माने तो पद्मशाली समाज हुआ, उसके बाद मोची समाज है, फिर दूसरे भी समाज है। तो जब खानदान के और घर के फैसले लिए जाते हैं तो सबसे पहले बड़े भाई का मशवरा लिया जाता है, बड़े भाई को बड़े भाई का हक दिया जाता है। तो मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग हैं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग हैं वो मुस्लिम समाज को जलीलो खार करने पर उतरे हुए क्यों है मुझे समझता नहीं। हमारे मुस्लिम समाज की कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष जिनका नाम वजाहत मिर्जा, उनको लेकर कार्यक्रम लिया गया था इंपीरियल गार्डन में, बात रखने के लिए कि मुस्लिम समाज को टिकट दी जाए। तो पता नहीं क्यों शिंदे साहब, प्रणीतिताई शिंदे, ये लोगों को वक्त नहीं मिला मुस्लिम समाज की बात सुनने का, और वो पहुंचते हैं किसी के बर्थडे के कार्यक्रम में, और वो पहुंचते हैं शास्त्री नगर में किसी के सवारी के कार्यक्रम में, मगर मुसलमान की समाज, मुस्लिम समाज की बात सुनने के लिए ये लोगों के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो आज मेरा फैसला लेने का सबसे बड़ा रीजन